तो ये टिम्बर फ्लोरिंग के बारे में बात हो रही थी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से देखेंगे फ्लोरिंग में सबसे पहले फ्लोर क्या होता है। फ्लोर जो होता है बॉटम सरफेस होता है रूम व्हीकल में, जहां से हम लोग क्या होता है हर लेवल फ्लोर क्या होता है एक, ठीक है, जो सब डिवाइड करते हैं पूरे बिल्डिंग को, जो क्या है एक सब डिवाइड करते हैं, एक सब डिवाइड पोर्शन होता है, ठीक है, उसी को क्या बोला जाता है फ्लोर बोला जाता है। यहां से यहां तक का क्या हो गया एक पोर्शन हो गया, एक तुम्हारा क्या हो गया लिविंग एरिया हो गया। लेकिन फ्लोर क्या हो गया, ऊपर वाले पार्ट को सीलिंग बोलते हैं, नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं फ्लोर, फ्लोर फ्लोर ये वाला फ्लोर हो गया। ये क्या करता है पार्टीशन करता है, ठीक है। और फ्लोर पे क्या होगा जितने भी तरह की मटेरियल्स होती है रखने के लायक, ठीक है। तो ये उसका डिफिनेशन है, लोग यहाँ से लिख के रख सकते हो, ठीक है ना। बॉटम सरफेस ऑफ ए रूम और ए व्हीकल, ठीक है। फ्लोरिंग क्या होगा एक परमानेंट कवरिंग ऑफ ए फ्लोर, ठीक है। ये क्या होगा सच लॉट ऑफ वेराइटी एग्जिस्टिंग फ्लोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोर ड्यू टू फैक्ट दैट इट इज ऑल्सो सर्फेस दैट गोज थ्रू द मोस्ट वियर एंड टीयर, ठीक है, चूजिंग राइट मटेरियल फॉर अटमोस्ट, ठीक है। फ्लोरिंग कितने तरह के होते हैं, तो ग्राउंड फ्लोर, बेसमेंट फ्लोर, ये सब जो है डायरेक्ट, फिर उसके बाद फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, इस तरह से जो है हम लोग बहुत सारा टाइप्स ऑफ फ्लोर करते हैं, ठीक है। और कौन कौन से मटेरियल के टाइप पे कितने हो गए, तो मटेरियल के टाइप पे जनरली दो तरह के होते हैं। टिम्बर फ्लोर एक कंपोजिट, टिम्बर फ्लोर में क्या होता है जहां पे सिर्फ टिम्बर हो, और टिम्बर में क्या होता है बहुत सारे ज्वाइंट के हिसाब से बहुत सारे फ्लोरिंग होती है, ठीक है। अब देखो फीचर ऑफ टिम्बर फ्लोर का क्या है, तो फीचर ऑफ टिम्बर फ्लोर में फ्लोर जो बोर्ड्स है उसके बारे में जो पढ़ना है, तुम लोग को प्लाई वगैरह लगाते हैं, तो ये सब में डिटेल में नहीं जाना है, ये सब में बस, ठीक है, बस जानना है कि हाँ ये सब होता है बेसमेंट फ्लोर टिम्बर फ्लोर सारे में क्या है टिम्बर फ्लोरिंग होती है, सिंगल ज्वाइस्ट, ठीक है, डबल ज्वाइस्ट, मतलब कितने तरह के ज्वाइंट के आधार पे कितने तरह के टिम्बर फ्लोरिंग होती है। कंपोजिट फ्लोर में क्या होता है कि टिम्बर और मेटल्स दोनों यूज होते हैं, दोनों का यूज होता है, ठीक है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट फ्लोर्स पर जहां से क्वेश्चन अराइज होते हैं, ठीक, वो सब समझना जरूरी है। पहला जो है मड फ्लोरिंग, ठीक है, मड फ्लोरिंग पे आते हैं। टाइप्स ऑफ मेजर टाइप्स ऑफ फ्लोर में मड फ्लोर, मड फ्लोर मतलब गांव वगैरह में देखते होगे तुम लोग क्या होता है, गांव में जनरली गांव में ही मिलता है ये सब, ठीक है। गांव में क्या होता है, ठीक है, कि जो घर होती है झोपड़िया होती है वो सब की फ्लोरिंग देखते हो तुम लोग क्या होता है जो नीचे क्या होता है कि ऊपर खाबर होती है मिट्टी होती है, तो क्या होती है उसपे मिट्टी की फ्लोरिंग कर दी जाती है, मतलब मिट्टी का लेप लगाया जाता है, ठीक है ना। देखते होगे कि वहां पे क्या होगा हमेशा जो है मिट्टी की लेप जो है लगाई जाती है, मिट्टी से पोताई होती है घर के बाहर भी और सरफेस पे भी, ठीक है। और वो लोग क्या करते हैं गोबर से भी पुताई करते हैं कभी कभी, देखे होगे तुम लोग, ठीक है, उसमें गोबर में मिट्टी मिला करके वो सब करते हैं, ठीक है, ठीक है। मड फ्लोरिंग जो है कमली जो गांव में होता है, ठीक है ना, और ये जनरली जो है श्रिंकेज वगैरह ये सब जो है नॉर्मली यूज होता है, ठीक है, बारिश में पानी में वो सब फ्लोरिंग खराब हो जाती है, ये सब तो दिक्कत होती है, ठीक है, तो वो लोग बार बार कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, ठीक है। ये सब प्रोफेशनल बिल्डिंग्स और कहीं पे भी और दोबारा तुमको कहीं देखने को नहीं मिलेगी, ये सब बहुत इजी वे में इसको अपनाया जा सकता है, ठीक है, इसको मेंटेन कर सकते हो, विंटर वगैरह में रह सकता है, लेकिन बारिश के टाइम में क्या होगा ये, ठीक है ना, ज्यादा स्टेबल नहीं हो पाता ये। इसका फ्लोरिंग का फायदा क्या है, ये ठंडी रहेगी, ये क्या होगी कूल देगी, ठीक है, कूलिंग देती है गर्मी के दिनों में, ये सब इसका फैक्टर होता है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट ब्रिक फ्लोरिंग पे। ब्रिक फ्लोर देखे होगे तुम लोग बहुत जगह देखे होगे, जैसे फैक्ट्रीज वगैरह में जाते हो ना, फैक्ट्रीज वगैरह में वहां पे ये ब्रिक की फ्लोरिंग की जाती है, ठीक है, फैक्ट्रीज में या फिर तुम्हारा स्टोर रूम में, स्टोर जहाँ पे होता है स्टोर रूम गैराज वगैरह में ब्रिक फ्लोरिंग करते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं तो ब्रिक्स को क्या करते हैं सजाते हैं, लेकिन ऐसे ही नहीं कि जमीन पर रख दिया ब्रिक्स को वो ब्रिक फ्लोरिंग, नहीं, उसके पहले हम लोग को कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ करना पड़ता है, वो कंस्ट्रक्शन पूछेगा ब्रिक फ्लोरिंग की कंस्ट्रक्शन कैसे की जाती है एग्जाम में, तो पहले यहाँ से आंसर शुरू करोगे, ठीक है, यहाँ से आंसर लिखना शुरू करोगे, क्या लिखोगे, तो पहले टॉप सरफेस जो अर्थ है उसको तैयार करते हैं, मुरम फिलिंग करते हैं, मुरम मतलब जो तुम्हारे जो ब्रिक चूर चूर जो होता है ना पोर्शन उसको कहते हैं मुरम, चूर चूर पोर्शन, ठीक है, पाउडर फॉर्म को, ठीक है,
उसको बढ़िया से बिछा दिए पूरे क्षेत्र में। फिर उसके ये देखो ये ब्रिक फ्लोरिंग है, ठीक है, ये इस तरह से क्या है, ब्रिक फ्लोर ब्रिक है ये, ठीक है। सबको यहाँ पे अच्छे से जो है एक डिजाइन से बैठाया गया है, तुमको जो डिजाइन पसंद है, इतने सारे बॉन्डिंग पड़े हो ना, इतने सारे बॉन्ड पड़े, किसी डिजाइन में तुम सजा सकते हो तुम्हारे हिसाब से, ठीक है। अब क्या मुरम फैला दिए, उसके बाद सेकंड प्रोसेस में क्या करेंगे, उसको कंपैक्ट करेंगे, ठीक है, मतलब पूरा एकदम कंपैक्ट करेंगे, ठीक है। कंपैक्ट कैसे करेंगे, तो बहुत सारा उसका मैकेनिकल मीन्स आता है, ठीक है, उसको चूरने वाला धनुष से करते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद 10 सेंटीमीटर मोटा जो है हम लोग क्लीन बालू बिछाएंगे, क्या बिछाएंगे, बालू, सेकंड स्टेप में। पहला स्टेप ये था, सेकंड स्टेप में जो है बालू बिछाएंगे, ठीक है, फर्स्ट सेकंड। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे कि लाइम कंक्रीट देंगे, लाइम कंक्रीट या फिर सीमेंट कंक्रीट, लाइम कंक्रीट देंगे 1:8 का और 1:16 का। तुम बोलोगे सर 16 भाग क्या है इसमें, 4 भाग क्या है, 1 भाग क्या है, सबको याद है या भूल गए सब लोग? याद है वन सर, भाग सीमेंट, 4 भाग सीमेंट सैंड और 16 भाग सैंड एग्रीगेट, एग्रीगेट, ठीक है फर्स्ट ना, एग्रीगेट। हाँ, कोर्स एग्रीगेट। और यहाँ पे कोर्स एग्रीगेट का जो साइज होता है ना, बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा, स्मॉल साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि 40 mm 20 mm नहीं देंगे, ठीक है ना, बहुत छोटा साइज देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाता है, इसको बना करके, ठीक है ना, कंपैक्ट किया जाता है। ये भी 10 सेंटीमीटर लेयर होता है, 10 से 20 सेंटीमीटर का लेयर होता है, ठीक है ना, उतना तक इसको दे दिया जाता है। इसके बाद क्या करेंगे, ये तो सूख जाने के बाद क्या करेंगे, सीमेंट मोर्टार का जो है एक, जो मोर्टार मतलब समझते हो ना जी, मोर्टार, ठीक है, क्या हो गया ये लिखा क्यों, ठीक है, ये हो गया मोर्टार, ठीक है। तो मोर्टार रेडी कर लेंगे 1:4 के रेशियो में, और उसके बाद इसी कंक्रीट के लेयर पे ब्रिक्स को हम बिछाना शुरू कर देंगे, जिस डिजाइन में पसंद हो, ठीक है, सुटेबल बॉन्ड, कोई भी सुटेबल बॉन्ड में हम लोग 1:4 का क्या मोर्टार का यूज कहाँ करेंगे जी, या तो बेस पे करेंगे और साइड साइड में करेंगे, सबको जोड़ने के लिए करेंगे, बेस पे करेंगे और साइड साइड जोड़ने के लिए, सब जगह क्या है ये मोर्टार है, ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ज्वाइंट जो होगा 2 mm से एक्सीड नहीं करना चाहिए, ठीक है, ज्यादा एमएम से एक्सीड, 2 mm से ज्यादा एक्सीड नहीं, क्यों, क्योंकि जो मोर्टार होता है वो जल्दी ब्रेक होता है, फ्लोरिंग है ना, फ्लोरिंग में क्या होगा, ये घिसेगा मोर्टार ज्यादा, ठीक है। मोर्टार ज्वाइंट वो स्टॉक ऑफ कर लेंगे, स्टॉक ऑफ पढ़े थे रेकिंग में, तुम लोग इसको रेकिंग में पढ़े थे, वहां स्टॉक ऑफ कर लेते हैं। उसके बाद पॉइंटिंग इसको कर देते हैं, पॉइंटिंग मतलब ये अंदर धंसा देते हैं 6 mm तक का, ठीक है ना, मिनिमम थिकनेस, ठीक है, ये पॉइंटिंग कर देते हैं हम लोग। अब बोलोगे सर इस पे प्लास्टर भी करेंगे, नहीं प्लास्टर नहीं करेंगे, ठीक है, इसमें प्लास्टर की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये कहाँ कहाँ सुटेबल है, ठीक है, ये स्टोर्स और गोडाउन पे सुटेबल है, ठीक है, कहाँ कहाँ सुटेबल, डोर्स और गोडाउन में, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखो, टाइल्स फ्लोरिंग, टाइल्स फ्लोरिंग तो सब लोग के घर में देखे होंगे जी, टाइल्स क्या होता है जी तो जो तुम्हारा मेटामॉर्फिक रॉक हो गया, कौन सा रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक जानते हो, वैसा रॉक जो क्या होता है, जैसे तुम्हारा मार्बल्स, मार्बल क्या है ये, मेटामॉर्फिक रॉक है, ठीक है। तो ये सबसे क्या होता है, ठीक है, टाइल्स बनाई जाती है, ये सबसे क्या होता है, टाइल्स बनाई, टाइल्स क्या होता है, कुछ नहीं होता है, जो मार्बल्स होती है इसी का क्या होता है, एक स्क्वायर फॉर्म या रेक्टेंगल फॉर्म का एक होता है, जो थिकनेस जिसकी फिक्स होती है, फिक्स थिकनेस होती है, ठीक है। अब टाइल्स के बारे में भी पढ़ेंगे, टाइल्स जो होता है, अगर डिटेल्स में पढ़ना होगा तो बोल देना, टाइल्स दो होते हैं, जो जनरली हम लोग विट्रीफाइड टाइल्स लगाते हैं घरों में, विट्रीफाइड टाइल्स, ठीक है ना, ठीक है, विट्रीफाइड टाइल्स लगाते हैं, दो तरह के टाइल्स होती है, ठीक है, एक जो नॉर्मल स्टोन टाइल्स होती है, विट्रीफाइड टाइल्स होती है। तो कौन सा टाइल्स कहाँ पे यूज करेंगे, ये सब देखो, ये सब क्या है, टाइल फ्लोरिंग है, ठीक है। इसमें भी क्या करेंगे, इसमें भी सेम प्रोसेस करेंगे, ठीक है ना, पहले बेस को, फाउंडेशन पहले बेस तैयार करेंगे, बेस हमारा एकदम सेम होना चाहिए, ठीक है ना, ब्रिक फ्लोर, अगर ब्रिक फ्लोरिंग है, ठीक है ना, तो उस कर रहे हैं तो उसमें भी सेम जैसे प्रोसेस करवाए थे उसे उसी प्रोसेस है। कंक्रीटिंग करना है बाबू आप लोग को, कंक्रीटिंग करना है, चाहे 1:2:4 के, 1:4:2 या तो 16 में कीजिए, या फिर 1:4:8, ये फिर किसके लिए हो जाएगा, ये लाइम, लाइम यूज करेंगे उसके लिए है, ठीक है ना, लाइम यूज करेंगे उसके लिए है, ये कंक्रीट यूज करेंगे, सीमेंट यूज करेंगे उसके लिए, ठीक है। चलिए ये तो समझ गए हम लोग,
ये क्या है, ये कॉन्क्रीटिंग करेंगे पहले, टाइल्स डालने के पहले कॉन्क्रीटिंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, सीमेंट मोर्टार जो है पूरे एकदम बढ़िया से उस पर बिछा देंगे सीमेंट मोर्टार, फिर उसके बाद सूखने देंगे सीमेंट मोर्टार को, ठीक है। अब उसके बाद सीमेंट मोर्टार जब सूख जाएगा, हार्ड हो जाएगा, उसके बाद फिर एक 6 mm का जो टाइल्स थिकनेस का टाइल्स होता है उसको वेट मोर्टार के साथ दबाएंगे। अब तुम बोलोगे सर 2 बार करेंगे मोर्टार, बिल्कुल सही, ठीक है। मोर्टार को कितना बार डालेंगे, 2 बार। एक बार जो मोर्टार है पूरा बढ़िया से पूरा सब जगह फ्लोरिंग पे डाल देंगे सूख जाए, उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है 6 mm जो है का मोर्टार लेंगे, ठीक है, वेट मोर्टार 6 mm थिकनेस का वेट मोर्टार। अब बोलोगे क्यों जरूरी है 2 बार मोर्टार क्यों जरूरी है, देखो होता क्या है कि कंक्रीट पे सीधे सीधे टाइल्स तो चिपकेगी नहीं, उसको चिपकना है मोर्टार से भी, लेकिन क्या होगा मोर्टार और कंक्रीट जो होता है ना जल्दी चिपकता नहीं है बहुत, क्योंकि कंक्रीट को क्या ना खुदेड़ना पड़ेगा। तुम छत पे देखते होगे ना, इसको छत पे उसको क्या बोलते थे, रूफ पे जब सीलिंग को प्लास्टर करना होता है ना तो उसके पहले क्या होता था कि छेदा छोटा छोटा क्या होता है उसको छेनी से मारना पड़ता है, उसको क्या करना पड़ता है छेनी से छोटा छोटा जो है उसको मारना पड़ता है, ज्वाइंट वहां पे होल करना पड़ता है छोटा छोटा, ठीक है ना, मोर्टार बनाने के पहले। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पॉइंटिंग बोलते हैं शायद, ठीक है ना, देखना पड़ेगा उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ताकि मोर्टार जो है छत पे, नहीं नहीं वो मैं अभी चेक कर लेता हूँ, ठीक है ना, ताकि क्या हो सके सीलिंग पे मोर्टार चिपक सके। अब तुम ये बताओ कि मोर्टार जो है गारा जो है वो छत पे चिपकी हुई है, अगर ज्वाइंट बढ़िया से नहीं बनेगा तो वो क्या हो जाएगा, तुरंत गिर जाएगा, तुम्हारे सर पे ही गिरेगा, ठीक है। मोर्टार जो है चिपकी हुई है, इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, पहले से ही एक मोर्टार का लेयर दे देते हैं, ठीक है, इस फ्लोरिंग पे, ठीक है। फिर उसके बाद 6 mm का मोर्टार का लेयर, फ्रेश मोर्टार का ये लेयर वेट होगा, ये नीचे वाला सूख गया, उसके ऊपर वेट वाला मोर्टार डाल देंगे, उसके ऊपर टाइल्स डाल देंगे, ठीक है, टाइल्स डाल देंगे और फिर ये हमारा टाइल्स का फ्लोरिंग एक लेवल में, इसको प्लम्बिंग भी करते हैं, ठीक है, एक लेवल भी होता है कि हमको पानी कहाँ भेजना है, तो पानी इधर भेजना है तो ये डायरेक्शन लोअर डायरेक्शन हो जाएगा, लोअर यहाँ पे अपर रखते हैं, यहाँ पे लोअर, थोड़ा सा सूता जो रखते हैं अप एंड डाउन रखते हैं, ठीक है, ताकि पानी का फ्लो हो जाए, यहाँ नाली वगैरह दे देते हैं कहीं पे धोने वगैरह के, ठीक है। देखो सरप्लस मोर्टार जो होता है वो क्या होता है, ज्वाइंट्स में अगर आ गया कहीं पे सरप्लस मोर्टार उसको हटा लेते हैं, ठीक है ना, 3 दिन के बाद ज्वाइंट्स को क्या हो जाता है, कावरेंडम स्टोन होता है, ठीक है ना, ये स्टोन से घिसना बहुत जरूरी, नहीं तो रफ दिखेगा, ये कैसा दिखेगा, रफ, ठीक है ना, ROUGH, रफ दिखेगा तुम्हारा, ठीक है ना। इस कावरेंडम स्टोन क्या होता है ये भी मैं दिखा देता हूं तुम लोग को, ठीक है, चलो देख लो। स्क्रीन पे आ रहा है सभी को, स्टोन, ठीक है, ये होती है कार्बोरेंडम स्टोन, ठीक है। इससे क्या होता है हम लोग को, टाइल्स को जनरली क्या होता है इससे घसते हैं, ठीक है ना, इस तरह का होता है कार्बोरेंडम, ठीक है, ये इस तरह से पूरा सरफेस पे घिसता है ताकि क्या टाइल्स जो है एकदम, ठीक है, बहुत ज्यादा चमचमा जाए, ठीक है ना। हर तरह के फ्लोरिंग में क्या हो गया, यही कार्बोरेंडम स्टोन का नाम आएगा तुम्हारा, सिर्फ टाइल्स पे ही नहीं, हर तरह के फ्लोरिंग में के बाद से ये कार्बोरेंडम वाला जो है ये घिसते हैं, ठीक है ना, चलो समझ में आ रहा है सभी को, कार्बोरेंडम स्टोन क्यों यूज करेंगे, ताकि जो है साइनिंग आ जाए। लास्ट का ये पूछता है कि कौन सा स्टोन से है जो हम लोग घिसते हैं, ठीक है, कार्बोरेंडम स्टोन हो गया, ठीक है, स्मूथ सरफेस हो जाए, एजेस वगैरह भी अच्छे से हो जाए। नेक्स्ट फ्लोर आता है मोजाइक फ्लोरिंग, ठीक है। अब ये मोजाइक मतलब स्क्रीड, स्क्रीड बैटन्स क्या होता है, स्क्रीड और बैटन्स क्या होता है, बैटन्स मतलब होता है बाबू लकड़ी का जो होता है ना इसको हिंदी में पटरा सुने, पटरा, बस वही बैटन्स हो गया। देखो बैटन्स क्या होता है, जब दरवाजा यूज करते हैं ना दरवाजे में तो क्या होता है हम लोग बैटन्स यूज करते हैं, ठीक है, बैटन्स यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, बैटन्स। फिर उसके बाद क्या करते हैं इसमें ब्रेसिंग्स लगाते हैं, ठीक है, ये मेरा पैंट थोड़ा सा खराब है, ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं इसको लेसिंग करते हैं, बहुत सारा तरह का इसमें जो है
बेटिंग, लेसिंग, ब्रेसिंग ये सब यूज करते हैं, ठीक है, डोर्स वगैरह में, ठीक है। और कोई सवाल बाबू? नो सर। ठीक है, मोजाइक फ्लोरिंग में क्या होता है? ठीक है, मोजाइक फ्लोरिंग ऐसा फ्लोरिंग, ठीक है, मैं तुमको पहले दिखा देता हूं, तब तुम लोग को मोजाइक समझ में आ जाएगा, नहीं तो फिर कंफ्यूज रहोगे, ठीक है। ये भी सेम एकदम इसी तरह का होता है, ठीक है। ये सब देखो, ये सब क्या है, बाथरूम सब वगैरह में क्या होता है, मोजाइक फ्लोरिंग जनरली की जाती है, ठीक है। ये सब क्या है, मोजाइक फ्लोरिंग है, ठीक, टाइल्स की तरह ही होती है, ठीक है ना। ये भी क्या है, एक तरह का टाइल्स ही है, ठीक है। इसको मैं ही डाल देता हूं, लेकिन इसका साइज कैसा है, ठीक है। ये सब तुम लोग देखे होगे, कहाँ देखे होगे, बाथरूम से वगैरह में देखे होगे जनरली, ठीक है ना। ये सब बाथरूम किचन वगैरह में ये सब मोजाइक फ्लोरिंग लगा देते हैं। ये सब क्या होता है, स्मॉलर क्यूब्स होते हैं, छोटे छोटे क्या होता है, स्मॉलर क्यूब्स हेक्सागन होते हैं, ठीक है। छोटे छोटे मतलब इस साइज के, देखो इस साइज का एक छोटा सा, ये साइज है, ये साइज इस तरह का क्या है, साइज का होता है, ठीक है। ये सबको एक तरह से सजाए, अब बोलोगे सर बहुत मेहनत लगता होगा, हाँ बिल्कुल बहुत मेहनत लगता है, ठीक है। लेकिन इसको लगाने के तरीके भी हैं, तुम लोग देख सकते हो वीडियोस में भी, ठीक है ना। ये क्यूब्स हो सकते हैं, हेक्सागन हो सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, सीमेंट के मिक्सचर से इसको, सीमेंट से क्या होता है, चिपकाया जाता है, सीमेंट के मिक्सचर से क्या होता है, चिपकाया जाता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, मोजाइक फ्लोरिंग बोलते हैं। ये सब फ्लोरिंग काफी कॉस्टली आता है, इसलिए इसमें टाइमिंग तो लगेगा, ठीक है। इसको भी प्रोसेस क्या करेंगे, जैसे ब्रिक में करे थे, सबका सेम प्रोसेस है, ठीक है। पहले क्या करेंगे, पहले जो है अगर फ्लोरिंग ग्राउंड फ्लोर पे हो तब की ये काम कर रहा है, ठीक है। फर्स्ट फ्लोर में, सेकंड फ्लोर में थोड़ा सा काम कम जाएगा, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर की मैंने बात बताई, ठीक है। पहले क्या करेंगे, अर्थ को पहले पूरा मिट्टी जो लेवल कर दिया, फिर उसके बाद सैंड जो है 10 सेंटीमीटर का फैला देना है, फिर वो 1x8 या 1x16, फिर सीमेंट कंक्रीट कर देना है 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब फिर क्या करना है, 5 सेंटीमीटर का एक लाइम मोर्टार या सीमेंट मोर्टार डाल देना, ठीक है ना, इसके ऊपर, ताकि चिपके, सीमेंट के साथ चिपकेगा ना, तो मोर्टार के, मोर्टार जल्दी चिपकता है किसके साथ, सीमेंट, ठीक है। तो अब ये मोर्टार जो है स्मॉल एरिया पे, ठीक है, जो नहीं सूखा नहीं हो एकदम, जो है जल्दी नहीं सूखना चाहिए, ठीक है ना। अब इसमें क्या करेंगे, 3 mm का, ठीक है ना, सीमेंट का घोला तैयार करते हैं। घोला तैयार करने का समझते हो, 3 mm का घोला दे देते हैं, घोल तैयार करते हैं, गाढ़ा घोल, हाँ गाढ़ा घोल किसका, सीमेंट का तैयार करते हैं। और वो जो है मोर्टार है उसके ऊपर छीट देते हैं। अब उसके ऊपर फिर क्या होगा, सीमेंटिंग मिक्सचर में क्या होगा, पोजोलोना होगा, मार्बल चिप्स होगा, 2 पार्ट स्लैग्ड लाइम होगा, ठीक है। ये सीमेंटिंग मिक्सचर है, ठीक है। पोजोलोना जान रहे हो ना जी, सीमेंट कंक्रीट टेक्नोलॉजी, ये कंक्रीट टेक्नोलॉजी में बताया गया पोजोलोना, ठीक है, पोजोलोना, पोर्टलैंड पोजोलोना सीमेंट, ठीक है, ठीक है। और ये फिर क्या है, मार्बल की चिप्स आती थी जो छोटे छोटे स्क्वायर साइज में, देखे होगे तुम, यहाँ पे चिप्स है सारा ये, ठीक है। उसके बाद स्लैग्ड लाइम होता है, 4 घंटे बाद क्या होता है, पैटर्न को फॉर्म बनाया जाता है, ठीक है ना, टॉप सीमेंट मटेरियल के बाद पैटर्न को बनाया जाता है। ये सब पैटर्न ऐसे ऐसे करके या तो तुम सजा सकते हो या तो फिर रख सकते हो, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद करेगा क्या होता है ना, ड्राइंग भी बनाई जाती है, ड्राइंग भी बनाई जाती है। पटना जंक्शन पे देखोगे सिर्फ इन्हीं चिप्स की मदद से, पटना जंक्शन बहुत अच्छा अच्छा फोटो बनाया गया, इस चिप्स को क्या, कलर को कॉम्बिनेशन करके फोटो बनाया जा सकता है, डिजाइन डिजाइन करके किसी का, आदमी का फोटो बना सकते हो, किसी भी चीज का शेप बना सकते हो, ठीक है ना। ये तो इसी तरह से जैसे तैसे रख दिया गया हड़बड़ी में, लेकिन चाहो तो इससे क्या होगा, अच्छे से डिजाइन बना सकते हो। पटना जंक्शन पे इसी जो टाइल्स होते हैं ना, छोटे छोटे टाइल्स, इन्हीं का बहुत अच्छा अच्छा हर स्टेशन पे दिखता है तुम लोग को, ठीक है ना, बनाया जा सकता है, ठीक है, ठीक है। 4 घंटे के बाद क्या होगा, इसको डाल देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, जो डाले हम लोग, इसके बाद उसको हैमर कर दिया जाता है। हैमर करने से क्या होगा, एकदम फिक्स हो जाता है, ठीक है, आउटलाइन पैटर्न पे। और इसको क्या होगा, इनर पैटर्न को क्या करेंगे, जो छोटा छोटा कहीं कहीं बच गया जगह, वहां पे कलर्ड मार्बल थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा टुकड़ा है जो, उसके बाद क्या करेंगे, रोलर, एक 30 सेंटीमीटर का डाया का रोलर होगा, ठीक है, 30 सेंटीमीटर डाया रोलर होगा, 50 सेंटीमीटर लेंथ होगा उसका, ठीक है ना।
डाया कितना होगा 30 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर का लेंथ का एक रोलर होगा, ठीक है। उससे क्या होगा, इस पे दबाते हैं, एक हैमरिंग भी करेंगे और दबाए भी करेंगे, ठीक है, दबाएंगे इसे, चला देंगे इस पे, ठीक है, पानी इस पे छिड़केंगे मोर्टार के, ठीक है। अब ये क्या होगा, एक प्यूमिक स्टोन आता है। अब एक तो ऊपर दो स्टोन के बारे में पढ़े, ठीक है, एक क्या पढ़े थे तुम लोग, कार्बोरंडन स्टोन, और एक होता है प्यूमिक स्टोन, ठीक है। इसको किससे रगड़ेंगे, प्यूमिक स्टोन से, ठीक है ना। प्यूमिक स्टोन से रगड़ने से क्या होगा, ठीक है, प्यूमिक स्टोन से क्या होगा, वुडन हैंडल से थोड़ा थोड़ा ये सरफेस को रब करेंगे, ठीक है, 1.5 मीटर लंबा लकड़ी का। इसके बाद फिर क्या होगा, 2 वीक तक इसको छोड़ देंगे। इसके बाद 2 वीक तक सूख जाने के बाद क्या होगा, इसको कार्बोरंडन स्टोन या फिर प्यूमिक स्टोन से फिर से एक बार रगड़ेंगे 2 बार, ठीक है। उसके बाद इसको सोप से बढ़िया से साबुन से धो दिया जाए, ताकि क्या होगा, चमक आना शुरू हो जाएगा। ये सब बहुत चमकता है, ठीक है ना, और इसकी चमक बरकरार रहती है, ठीक है। प्यूमिक स्टोन भी देखना है सबको, ठीक है, प्यूमिक स्टोन देख लो कैसा होता है, सब उसी तरह का होता है, देखने में तुमको कोई अलग नहीं लगेगा, ठीक है। ठीक है, ये हो गया प्यूमिक स्टोन, ठीक है। इससे क्या देखो, घरों में भी जनरली यूज होता है प्यूमिक स्टोन, ठीक है। इसमें बहुत सारे वॉइड्स होते हैं, ठीक है ना, लावा का प्यूमिक स्टोन होता है, ठीक है। ये सब पैर वगैरह रगड़ते हैं लोग आजकल घरों में यूज करते हैं प्यूमिक स्टोन्स का, ठीक है ना। तो ये तो हो गया तुम्हारा प्यूमिक स्टोन, ठीक है, दिख रहा है सभी को। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, इसकी सुटेबिलिटी कहा, ये मैं क्या बता रहा था, मोजाइक फ्लोर, ठीक है। मोजाइक मतलब तुम लोग अब बाद में कंफ्यूज मत होना, मोजाइक कौन सा था, कौन सा टाइल्स था, कौन सा क्या था, बस याद रखने का तरीका मैं बता दूंगा, ठीक है। अब ये सब फ्लोर्स क्या होते हैं, कोर्टयार्ड बिल्डिंग में जल्दी यूज होता है, ठीक है। ग्लेस टाइल्स जो होता है वो भी यूज होता है, हाई क्लास बिल्डिंग में जहां पे बड़े बड़े मतलब जो घर होते हैं ना उसमें ये सब यूज होता है, ठीक है। फ्लैग स्टोन फ्लोर, अब देखो ये क्या होता है, स्टोन मार्बल तो पढ़ लिया, ये क्या होगा, फ्लैग स्टोन हो गया, ठीक है। अब इसमें देख लो, थोड़े से इसमें बड़े बड़े होंगे, इसमें क्या होंगे, थोड़े से बड़े बड़े, और ये क्या होंगे, पत्थर्स होंगे, ये क्या होंगे, पत्थर होंगे, ठीक है। वो तो देख लिए तुम, स्टोन्स थे छोटे 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 स्टोन थे, ये क्या बड़े बड़े थोड़े से पत्थर होंगे। इसको भी उसी तरह सजाते हैं, ठीक है ना, इसको भी सजाते हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये क्या होंगे, स्टोन के जो स्लैब होंगे, ठीक है ना, सेम साइज नहीं होंगे लेकिन थोड़े से 75 सेंटीमीटर लंबे होने होंगे और छोटे नहीं होंगे, 35 सेंटीमीटर से छोटे नहीं होंगे, ठीक है, 75 सेंटीमीटर से लंबे नहीं होंगे और 35 सेंटीमीटर से छोटे नहीं होंगे, इतने साइज के होने चाहिए। और थिकनेस कितने होने चाहिए, 3.8 सेंटीमीटर, 3.8 सेंटीमीटर होने चाहिए, ठीक है, 3.8 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो ये तो समझ गए तुम लोग कि हमको कैसा पत्थर चाहिए, ठीक है। चलो अभी इसमें फ्लोरिंग में देख लिया हम लोगों ने, फ्लैग स्टोन कहाँ पर जनरली मंदिर और ये सब पुराने जो है महल वगैरह के पास किया जाता था, अभी जनरली ये सब किसी घर में नहीं होता है, ठीक है ना, ठीक है। अब जैसे टाइल फ्लोरिंग किए थे हम लोग, सेम उसी मेथड से करेंगे, ठीक है, जिस तरह से टाइल फ्लोरिंग किए थे। इसमें क्या होगा, पहले पानी में अच्छे से इसको डुबा देते हैं 1-2 घंटे के लिए, ताकि जो है पानी जो है सीमेंट कंक्रीट वाला जो है मोर्टार वाला एब्जॉर्ब ना कर ले, इसको बढ़िया से भिगा देते हैं। जो तुम ब्रिक फ्लोरिंग करोगे बाबू, ब्रिक फ्लोरिंग करोगे, ब्रिक का यूज जब भी करोगे कंस्ट्रक्शन में, तो उसको उसके पहले क्या है, 2 से 3 घंटे तक, 2 से 3 घंटे तक उसको पानी में डालोगे, 24 घंटे भी डाल सकते हो, उसको पानी में डाल के रखोगे, ताकि वो क्या होगा, मॉइस्चर एब्जॉर्ब ना करे एक्स्ट्रा, ठीक है। ब्रिक फ्लोरिंग या कोई भी टाइप का ब्रिक का काम करोगे सब में, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सीमेंट कंक्रीट, ठीक है। ये कहाँ होता है, गोडाउन वगैरह में, मोटर सेड स्टोर पेमेंट वगैरह में ये सब यूज करते हैं, ये सब स्टोन होते हैं तो काफी अच्छा चलते हैं। सीमेंट कंक्रीट फ्लोर देखा सर, पेवमेंट क्या होता है, क्या बोल रहे हो बाबू, नहीं समझ में, क्या पिगमेंट, पेवमेंट या पिगमेंट, नहीं सर, अच्छा, पेवमेंट मतलब होता है जहां पे तुम रोड पे चलते ना, रोड रोड पेवमेंट रोड को बोलते हैं, ठीक है। मैं जब हाईवे पढ़ाऊंगा तो वहां पे बताऊंगा ये क्या हो गया, पेवमेंट हो गया, ठीक है। जैसे पेवमेंट मतलब रास्ता, ठीक है ना, रास्ते वगैरह में ये सब जनरली देखोगे, विदेशों में क्या होता है, पेवमेंट वगैरह रास्तों में ये सब इस तरह के रास्ते बहुत देखने को मिलते हैं, ठीक है, पेवमेंट्स वगैरह बनाते हैं। आ जाओ सीमेंट कंक्रीट फ्लोर पे, ये भी क्या है, अब देखो तुमने तो ये बहुत जगह देखा होगा, मैक्सिमम जगह तो ये सीमेंट कंक्रीट फ्लोर छतों पर जनरली यही तुम्हें दिखता होगा,
ठीक है, कंसिस्टिंग सीमेंट कंक्रीट होगा, इसमें तो और कुछ होगा नहीं, ठीक है। अच्छा इवनिंग में मुझे लगता है कि 50 मिनट ही देता है क्या, मुझे लगता है इवनिंग में नहीं, इवनिंग में नहीं देता, देखता ये फ्लोर में क्या होगा। 2. ध्यान से सुनो, 2.5 से लेकर के 5 सेंटीमीटर कंक्रीट लेयर देते हैं, ठीक है, ठीक है। इसके ऊपर भी कंक्रीट के बेस के ऊपर भी क्या होगा, एक और कंक्रीट का बेस देते हैं 5 सेंटीमीटर थिक, ठीक है। हाँ, पहले क्या करें, फर्स्ट प्रोसेस में क्या करेंगे, लेवल कर देंगे, ठीक है, फर्स्ट प्रोसेस में लेवल करेंगे, विशाल म्यूट हो जाइए, ठीक है। दूसरा प्रोसेस में क्या करेंगे, सैंड करेंगे, सैंड लेयर छिड़केंगे 10 सेंटीमीटर, सब में सेम होगा, किसी में डिफरेंस नहीं होगा। तीसरा प्रोसेस में क्या होगा, ठीक है, तीसरा प्रोसेस में क्या होगा कि आपको जो है सीमेंट कंक्रीट देना है, ठीक है, सीमेंट कंक्रीट, ठीक है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है, कितना होगा, 1, 8, 16, ठीक है, ये लेयर देना। फिर चौथा लेयर में 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना, सीमेंट कंक्रीट देना है, ठीक है, सीमेंट कंक्रीट आप 1, 2, 4 में भी दे सकते हो, ठीक है, जैसा आपको जरूरत हो वैसा आप दे सकते हो, ठीक है। तो ये जो है हमारा, ठीक है ना, इस तरह से बन जाएगा, ठीक है, ये 4 लेयर में, एक लेयर के ऊपर एक लेयर डाल देते हैं, ठीक है। ये कहाँ यूज करेंगे, जनरली ये सब यूज होता है, ठीक है। ये क्या, हार्ड ड्यूरेबल होंगे, प्रोवाइड अ स्मूथ होगा, मोर फायर रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, ये सैनिटरी सरफेस में होगा, ये इकोनॉमिकल होगा क्योंकि इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट कम लगेगा। इसको भी फिनिश कर सकते हो, इसमें सीमेंट का पनिंग चढ़ा दोगे, जैसे छत वगैरह पे सीमेंट का पनिंग कर देंगे तो क्या होगा, काफी ये स्मूथ हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। इसको भी दो तरह से करते हैं, एक नॉन मोनोलिथिक या फिर मोनोलिथिक फ्लोर, फिनिश फ्लोर, ठीक है। अब ये होता है मोनोलिथिक, मतलब क्या होता है नॉन मोनोलिथिक, मोनोलिथिक मतलब होता है साथ साथ बनाना, ठीक है, ठीक है, और बॉन्डेड, ठीक है। इसको देखो कैसे बनाते हैं, ठीक है, सीमेंट कंक्रीट फ्लोर में जिसमें टॉपिंग जो है मोनोलिथिकली नहीं बनाया जाता है, ठीक है, वो फिनिश मोर्टार के साथ फ्लोर, जैसे देखो इसमें क्या कर दिए, सेम वही प्रोसेस कर दिए, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, यहां तक तो सब में सेम प्रोसेस है ना जी, यहां तक 10 सेंटीमीटर का हमने सैंड दिया, फिर उसके बाद 10 सेंटीमीटर का हमने कंक्रीट दिया, ठीक है, उसके बाद 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर जो थिक लेयर होगा, थर्ड डे ऑफ लेइंग सीमेंट कंक्रीट, मतलब ये पहले सूख जाए कंक्रीट, उसके बाद तो दोनों तो आपस में क्या होगा, चिपकेगा नहीं ना जी, ठीक है। पहला क्या कंक्रीट डाल दिए, ओहो ये बड़ा दिक्कत दे रहा है, पहले ये 10 सेंटीमीटर का कंक्रीट डाल दिए, फिर अगले 2-3 दिन 4 दिन के बाद डालेंगे नेक्स्ट कंक्रीट डालेंगे, तो ये लेवल और ये लेवल आपस में नहीं चिपकेगा। जब मोनोलिथिक में क्या होता है, मोनोलिथिक में क्या होता है, ठीक है ना, ये देखो 1, 2, 4 का कंक्रीटिंग देंगे, ये दोनों का कंक्रीट का जो है टाइप अलग अलग होगा, एक ही नहीं डालेंगे, फिर दोनों में अंतर क्या रह जाएगा। मोनोलिथिक में क्या करेंगे, जिस दिन ये ढाल रहे होंगे उसके अगले दिन या फिर नेक्स्ट 24 घंटे के भीतर, देख लेते हैं कितने टाइम के भीतर, साथ साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। नॉन मोनोलिथिक का मतलब जो एक जैसा ना हो, अलग अलग हो, तो ये तो अलग अलग हो गया ना जी, ये 3 दिन पहले ढालेंगे तो वो तो सेट हो गया होगा, तुमको पता है कितने दिन में सेट हो जाता है जी, 10 आवर्स के बाद सेट होना शुरू हो जाता है, ये अपना जो है जितना रहेगा सब एक साथ सेट करेगा, ठीक है। और इसके बाद जो है 3 दिन में ये क्या हो जाएगा, जो है कितना परसेंट स्ट्रेंथ ले आता है, जल्दी से बताओ, 1, 1.5, 3 जो M20 कितना परसेंट ले आता है, 16% सर, 60%, ठीक है, आप लोग एक बार देख लीजिए जाकर के, बहुत लोग भूल गए हैं, ठीक है ना। और 28 दिन में कितना ले आता है, 99%, ठीक है ना, ठीक। तो ये सब जो है एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना, ये सब बहुत जगह काम आएगा आप लोगों, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या होगा, सिंगल लेयर में भी दे सकते हैं, ठीक है, दो लेयर में भी दे सकते हैं, ठीक है, 4 सेंटीमीटर का एक लेयर दे सकते हैं, या फिर 1.5 और 2.5 सेंटीमीटर कर करके, ठीक है, 1.5 सेंटीमीटर थिक, ठीक है, और 2.5 सेंटीमीटर थिक। इसमें क्या होगा, ये थोड़ा सा कमजोर और उसके ऊपर थोड़ा सा और, ठीक है, मजबूत लेयर डाल सकते हैं, ये मोनोलिथिक ही डाल देंगे, ये दोनों का मोनोलिथिक मतलब एक साथ ढालेंगे, मतलब ये ढाल रहे हैं 1 घंटा के बाद दूसरा वाला, 1.5 सेंटीमीटर ये ढाल दिए, 2.5 सेंटीमीटर ये ढाल देंगे, ठीक है, दोनों साथ साथ ढालेंगे। और ये पहले वाला जो 10 सेंटीमीटर, ये 3 दिन पहले 10 सेंटीमीटर जो है 3 दिन पहले ढालेंगे, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया सभी को, ठीक है,
अब आते हैं मोनोलिथिक में, ये तो सब हो गया नॉन मोनोलिथिक, ठीक है। मोनोलिथिक में क्या करते हैं, सेम वही, इसमें क्या करेंगे, 2 सेंटीमीटर का थिक जो है एक्स्ट्रा जो है मोनोलिथिक डालेंगे। मोनोलिथिक मतलब 2 सेंटीमीटर का, 10 सेंटीमीटर तो पहले से था, इसके ऊपर मात्र 2 सेंटीमीटर, उसमें 4 सेंटीमीटर आता था, इस पर 2 सेंटीमीटर, 1, 2 का 4 लेयर, 1, 2 का 4, ठीक है। और नीचे कितना रहेगा, 1, 8, 16, ठीक है। इसमें मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, ठीक है, इसमें सिंपल सा यही करेंगे, जो प्रोसेस था वहां तक वही सेम रहेगा। 10 सेंटीमीटर होगा मोनोलिथिक क्राइंग करने के लिए, 10 सेंटीमीटर का क्या होगा, ब्रिक रबल पहले फिलिंग जो है वो कर लेंगे इसमें, उसके बाद कंक्रीट का 1, 4, 8 या 1, 8, 16 ये लेयर दे देंगे, ठीक है। ये दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, ये कोई जरूरी नहीं है। अगर कब ये देंगे, ब्रिक लेयर कब देंगे, जब ये तुम्हारा जो है सॉइल कंडीशन अच्छा नहीं हो, तब की बात बोल रहे हैं, ठीक है। सॉइल कंडीशन अच्छा नहीं हो, सॉइल अच्छा नहीं हो तब, अगर सॉइल बढ़िया हो तो ये नहीं भी दे सकते, ठीक है। ये ऑप्शनल है, ये जो ब्रिक वाला जो है ना ऑप्शनल है फिलिंग, ठीक है। लेकिन बालू हमेशा देंगे, बालू हमेशा देंगे। बालू देने के पीछे रीजन ये होता है कि जो जो तुम्हारा अगर मान लो कि थ्रस्ट लगेगा ना फ्लोरिंग पे, वो क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जर्व कर ले सैंड, ठीक है। हाँ, अब देखो प्रोसेस क्या है, पहले बालू दे दिया क्लियर, उसके बाद ये दे भी सकते नहीं भी दे सकते। नेक्स्ट जो है कंक्रीट दे दिया 1, 8, 16 का, चलो ठीक है। उसके बाद टॉपिंग जो होगा 45 मिनट से 4 घंटे के अंदर देना है। 10 घंटे का हम लोग वेट नहीं करेंगे, 10 घंटे में तो ये सेट हो जाता है ना जी। 45 मिनट से लेकर के 30 मिनट इनिशियल सेटिंग टाइम हो जाने के बाद, 30 मिनट का इनिशियल सेटिंग होता है ना जी, ठीक है। ये मेरा पेन खराब हो गया सर, देखिए, ठीक है। तो 30 मिनट का जो होता है, ठीक है ना, 30 मिनट का इनिशियल सेटिंग टाइम, उसके बाद 45 मिनट से लेकर के 4 घंटे में हम लोग दे देंगे। ये किस प्रोसेस में हुआ जी, मोनोलिथिक या नॉन मोनोलिथिक? मोनोलिथिक। नॉन मोनोलिथिक में क्या करेंगे, 3 दिन बाद, ठीक है, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, जब भी तुमको मन करे। अब मोनोलिथिक में 4, 45, ताकि एक दूसरे से क्या हो जाए, जुड़ जाए, आपस में क्या हो जाए, जुड़ जाए, ठीक है। चलो कितना देंगे, 2 ही सेंटीमीटर देंगे। ये हमारा हो गया। अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टेराजो फ्लोरिंग, जो एग्जाम में आता है, जो तुमको सब जगह देखने को मिलेगा। ये मेरे घर में भी एक टेराजो फ्लोरिंग है, ठीक है। ये दिखने में थोड़ा सा अजीब जैसा लगेगा, लेकिन ये काफी रफ एंड टफ होता है, ठीक है, ठीक है। दिस सरफेस ऑफ बेस कंक्रीट क्या हो जाएगा, मोर्टार ड्रिपिंग, ये सब क्या होता है, इसमें क्या तुमको सैंड में ये सब स्टोन्स, मोर्टार में, कंक्रीट मोर्टार होता था ना, बस उसी में क्या है, हमने बहुत सारा जो है इसमें कंक्रीट का जो है स्प्रेड कर दिया गया, ठीक है ना। इसमें पहले क्या करते हैं, कंक्रीट का लेयर बिछा देते हैं, ठीक है, बढ़िया से एकदम, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे कि टेराजो का प्लास्टिक मिक्सचर जो है ऑलरेडी तैयार करते हैं, ठीक है। इसका मैं एक वीडियो भेज दूंगा ताकि आप लोगों को देख करके बहुत अच्छा लगेगा कैसे बनाते हैं। वीडियो देख लोगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे भी 1 मिनट में ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, 1.5 मिनट में आप लोग फिर से रिज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। सभी लोग को रिज्वाइन होने आता है ना, नए नए जो कुछ 1-2 लोग दिख रहे हैं हमको, ठीक है। विनय आपको तो आता ही होगा, विनय आता है ना, ठीक है। सभी लोग को रिज्वाइन होने आता है। गुड्डू कुमार आपको आता है सर, जो लोग नए हैं उनको देख लो। हाँ हाँ बोलो। बोले सर कंक्रीट फ्लोर का थिकनेस कितना देना चाहिए? बाबू आप सुन नहीं रहे थे क्या? सुन रहे सर, उसमें ज्यादा दिया था डायमेंशन, इसलिए पता। 10 सेंटीमीटर होता है बाबू, ठीक है ना, 10 सेंटीमीटर, ठीक है, चल ठीक है। अब देखो 50 बार तो बोल चुका होगा उतना देर से, ठीक है ना। 10 सेंटीमीटर देते हैं, ठीक है। 10 सेंटीमीटर क्या पहला देंगे, सैंड। उसके बाद 10 सेंटीमीटर का 1, 8, 16, ठीक है, ये देंगे 1, 8, 16 के लेयर में। या तो फिर अगर हम लोग देंगे क्या, लाइम, अगर देंगे लाइम वाला भी दे सकते हैं, लेकिन जनरली लाइम वाला यूज नहीं होता, लाइम कहाँ से लाओगे, ठीक है। लाइम से ज्यादा सीमेंट मिल जाता है, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या होता है, 1, 4, 8 का क्या हो जाएगा, लाइम भी दे सकते हो, लीन सीमेंट का भी, ठीक है ना। चलो दोनों में से कोई भी कर सकते हो, ठीक है, चलो ठीक है। अब इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है, टेराजो फ्लोरिंग, ठीक है। टेराजो फ्लोरिंग में कैसे करते हैं, देखो यार इसमें क्या क्या दिखेगा, सीमेंट का
तुम्हें ये कंक्रीट दिखेगा, और इसमें क्या कंक्रीट नहीं होता, ये सीमेंट